नमस्कार श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में आज हम बातचीत कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं मिसेज इंडिया ईस्ट प्रज्ञा पांडे जी, जिनके की सामाजिक कार्यों में भी बहुत गहरी अभिरुचि रही है और जब भी इस तरह के कुछ सोशल कॉज होते हैं तो एक अभियान की तरह से आप लोगों से जुड़ती हैं। सबसे पहले शुरुआत में प्रज्ञा जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार आपका। नमस्कार आपको भी और धन्यवाद। तो योग का तो जीवन में बहुत महत्व है, खासतौर से आज के दौर में जब से ये बीमारी और महामारी आई तो ऐसा लगा कि हर कोई जागरूक ज्यादा हो गया पहले की बनिस्पत इस बात को लेकर के कि हमें स्वस्थ रहना चाहिए। योग की क्या अहमियत आप समझती हैं आज के दौर में? हाँ जी, देखिए योग व्यायाम करना सबके लिए प्रभावशाली होता है जी, जिससे न केवल शरीर बल्कि मन मस्तिष्क आत्मा सब संतुलित रहता है। अपने दिनचर्या में बहुत जरूरी है कि हम योग को अपने जीवन शैली में शामिल करें। योग हमारे मन को बहुत शांत रखता है और इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, जो कि अभी हम सबके लिए बहुत जरूरी है जी। मैं अपने जीवन शैली में योग को बहुत महत्व देती हूँ। मैं एक गृहिणी हूँ और साथ ही साथ एक वर्किंग लेडी भी, तो इसलिए मुझे सही खान पान और नियमित योग करना बहुत जरूरी होता है फिट रहने के लिए। तो क्या दिनचर्या होती है और मुख्यतः किस प्रकार से, किस वक्त और कौन कौन से आसन वगैरह या क्या इसमें आप करती हैं योग के संदर्भ में? मैं रेगुलर सूर्य नमस्कार करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ, और भी हैं बहुत सारे आसन जो मैं करती हूँ। तो ये एक अरसे से आप करती होंगी, लेकिन जैसे कि योग करने से पहले और योग करने के बाद किस तरह का बदलाव आपने क्या आपने महसूस किया उसको लेकर के? बहुत ज्यादा, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की यूथ बहुत तरह से परेशानी, मतलब यूथों में बहुत तरह से परेशानी चल रही है, चाहे वो एग्जाम करियर का प्रेशर हो या फेलियर हो या ब्रेकअप हो। तो बहुत जरूरी है आगे बढ़ना और मन को शांत रखना। बिल्कुल, तनाव तो आज के जीवन का एक प्रकार से हिस्सा हो चुका है, तो इसमें योग बहुत मदद करता है। तो जैसे आप कुछ खास बातें आप बताएंगे हमारे श्रोताओं को, जिनको कि आपने उपयोग किया और इन चीजों से आपको जीवन में आगे बढ़ने और संघर्ष करने में बड़ी मदद मिली योग के जरिए? जी, मैं पहले थोड़ा सा मतलब टेंशन वगैरह भी होता था, तो उस समय मैं करती थी कुछ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करती थी योग। तो करने के बाद बहुत ज्यादा मैं पॉजिटिव फील करती हूँ और बॉडी भी फिट रहता है और मतलब एक अंदर से खुशी फील होती है। आमतौर पे तो हर कोई योग कर रहा है, जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर घर में ही रह करके सावधानी और सतर्कता के साथ योगासनों का अभ्यास करे व्यक्ति। मैंने अपने भी पेज पर भी बहुत सारे आसन के वीडियोस पहले डाले थे जी जी, तो उसमें से भी बहुत सारे लोग देख के प्रेरित हो सकते हैं। और YouTube पे भी बहुत तरह के आसन होते हैं, तो उसको भी आप करके स्वस्थ रह सकते हैं और घर पर ही रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश। क्या बात है, बहुत बढ़िया आपने मैसेज दिया। और अब कोई गीत आप बता दें जो हम सुनवा दें आपके इस बातचीत के साथ साथ। अभी सुशांत सिंह राजपूत के लिए गाना सुनना पसंद करूंगी, और वो गाना है कौन तुझे यूं प्यार करेगा, उनकी एक निशानी के रूप में यह गाना उनकी फिल्म MS धोनी से है, तो मैं उसे सुनना पसंद करूंगी। बहुत शुक्रिया, आपने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में हमसे बातें की और हम बहुत आभारी हैं आपके, बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, आकाशवाणी विविध भारती की ओर से बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मेरे दिल जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ।
मुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ।